Hey guys, welcome back to KimBim classes. So student, as we know, capital D genotypes gives tall phenotype and small t genotype gives dwarf phenotype. But can there be a special condition in which two completely different genotypes give same phenotype? So students, let's discuss this in today's topic, phenocopy. Basically, phenocopy is when two totally different genotype produces similar expression due to external condition. Okay, किसी भी external condition की वजह से जब दो different genotype एक similar type का expression show करते हैं. Example के through इसको देखते हैं. So example में मैंने यहां पर student Pisum sativum यानी कि पी प्लांट लिया है. ओके, अब मेरे पास पी प्लांट दो हैं. ओके, प्लांट ए एंड प्लांट बी. प्लांट ए और प्लांट बी दोनों ही डिफरेंट जीनोटाइप हैं. बिकॉज प्लांट ए कैसा है मेरे पास, ये टॉल प्लांट है. ओके, दिस इज टॉल. एंड प्लांट बी मेरा डॉर्फ है. लेकिन मैं चाहती थी कि प्लांट बी भी मेरा कैसा हो, टॉल हो. ओके, मेरे पास डॉर्फ है. इस सिचुएशन में मैं एक्सटर्नल कंडीशन से ट्राई करूंगी कि प्लांट बी कैसा हो जाए, टॉल हो जाए. तो स्टूडेंट, ऐसे ही एक एक्सटर्नल चीज मैंने इस प्लांट में इंजेक्ट की, वो है जिब्रेलिन. और जिब्रेलिन क्या होता है, एज वी नो दिस इज प्लांट हार्मोन. ओके, जैसे ही मैंने प्लांट बी को जिब्रेलिन दिया, वैसे ही ये प्लांट क्या हो गया, टॉल. पहले ये डॉर्फ था, बट आफ्टर इंजेक्टिंग जिब्रेलिन, ओके, नाउ दिस प्लांट इज टॉल. सो स्टूडेंट, जब दो डिफरेंट जीनोटाइप, बिकॉज प्लांट टॉल है, पी प्लांट की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है पी प्लांट कैसा होगा, कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इनका जीनोटाइप हो सकता है. और प्लांट बी का स्मॉल टी, बिकॉज प्लांट कैसा है, डॉर्फ है. ओके, जब दो डिफरेंट जीनोटाइप ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशन दे प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि यहां पर ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, उसी को हम बोलते हैं फिनोकॉपी. ओके, सो ये फीचर, दिस फीचर इज नॉट हेरिटेबल. ओके, ये फीचर हेरिटेबल क्यों नहीं है, बिकॉज हमने सिर्फ और सिर्फ फीनोटाइप को, उनके फीनोटाइप को चेंज किया है. प्लांट बी का हमने सिर्फ और सिर्फ फीनोटाइप चेंज किया है, हमने उसके जीनोटाइप यानी कि स्मॉल टी के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की है, हमने उसके जीन में, उसके जेनेटिक मटेरियल में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं. इसीलिए ये फीचर हेरिटेबल नहीं होगा, बिकॉज जो यूनिट हेरिटेबल होती है वो होती है जीन. ओके, हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है, जब हमने हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी करी थी, वहां पर हमने देखा था कि कोई भी यूनिट जो पास होती है, जेनेटिक मटेरियल वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास होता है, तो जेनेटिक मटेरियल अभी भी प्लांट बी का कैसा है, सेम है. और हमने सिर्फ और सिर्फ जो
फिनोटाइप है वो चेंज किया है. और फिनोटाइप क्या होता है, कोई भी अपनी आईज के थ्रू अगर कोई भी कैरेक्टर ऑब्जर्व कर पा रहे हो वो क्या होता है, फिनोटाइप होता है. तो स्टूडेंट ये फीचर हेरिटेबल नहीं होगा. ओके, आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इन्हें लाइक शेयर और कमेंट करें. और स्टूडेंट अगर आप केमविम क्लासेस को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग.